फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका चेहरा तो फूल की तरह दमकता है लेकिन गर्दन बहुत काली और बदसूरत होती है। अच्छे कपड़े और बेदाग चेहरा भले ही लोगों को आपकी ओर आकर्षित करे लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि जैसे ही उन लोगों की नजर आपकी काली गर्दन पर पड़ेगी वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। कई बार नहाते वक्त गर्दन को रगड़ रगड़ कर साफ करने के बावजूद गर्दन का कालापन दूर नहीं होता है बल्कि गर्दन लाल हो जाती है। अगर आप भी तमाम प्रयासों के बावजूद अपनी गर्दन का कालापन दूर नहीं कर पा रहे हैं तो आज हम आपको एक आसान और बेहद फायदेमंद घरेलू नुस्खा बता रहे हैं। हर किचन में पाए जाने वाली चीनी की मिठास काफी अद्भुत है। ये सिर्फ चाय या मीठे व्यंजनों में मिठास नहीं लाती बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े भी कई फायदे करती है। जिन लोगों को काली गर्दन की समस्या है उनके लिए चीनी किसी वरदान से कम नहीं है। चीनी के कुछ खास तरह के सेवन से आप काली गर्दन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। काली गर्दन से निजात के लिए चीनी स्क्रब का काम करती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए लगभग 1.5 चम्मच चीनी को हाथ में लें। पहले गर्दन को पानी से गीला कर लें, उसके बाद चीनी को गर्दन पर रख कर हल्के हाथों से स्क्रब करें। चीनी का गर्दन पर ये स्क्रब आपको करीब 15 मिनट तक करना है। अब गर्दन को साफ पानी से धो लें। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी काली गर्दन काफी हद तक साफ हो गई है। बेहतर फायदे के लिए आपको ये प्रयोग नियमित करना है। इसके अलावा चीनी का एक और उपाय भी है। थोड़ी सी चीनी को पानी में उबाल लें। अब इसे ठंडा करने के बाद गर्दन पर इससे हल्की हल्की मसाज करें। कालापन दूर होने के साथ ही आपकी गर्दन में चमक भी आएगी। अगर आप कोई फेस पैक या स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें चीनी को डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। फेस पैक लगाते वक्त थोड़ी सी चीनी उसमें डालकर गर्दन और चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी गर्दन का कालापन चुटकियों में दूर हो जाएगा। ठीक ऐसा ही प्रयोग स्क्रब के दौरान भी किया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।